आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी लहंगे को जिप लगाना, बेल्ट को तैयार करना, उसको अटैच करना और हुक कहाँ पे लगानी है और बटन किस तरह से लगाते हैं, सारा होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो यहाँ पे मैंने बुकरम रोल में थी तो उसको मैंने कटिंग कर लिया है। तो ये इतनी मैंने ज़्यादा रखी है अपनी वेस्ट, जितनी आपने अपनी कमर से अपनी वेस्ट माप के तो उससे इतनी ज़्यादा रखें, जितनी ऊपर आ रही है उतनी मैंने ज़्यादा रखी है। तो फिर इसको कपड़े पे अटैच करेंगे। कपड़ा मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ कि कितना, एक साइड पे हाफ इंच है और दूसरी साइड पे ये देखें इस तरह से फोल्ड करें तो इतना ज़्यादा है, यानी कि फ़ोल्ड करके अंदर जाए, अंदर भी कपड़ा जाएगा और दूसरी तरफ जहाँ पे शेप बनाई थी वहाँ पे इस तरह से रखा है। तो यहाँ पे जहाँ पे हाफ इंच कपड़ा रखा था उस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे और दूसरी तरफ इस तरह से जिस तरह कफ को हम एक साइड पे सिलाई लगाते हैं पक्का करके हमने शुरू करना है और यहाँ पे इसको बंद कर देना है और दूसरी साइड पे भी इस तरह से इसको पक्का करके शुरू करेंगे, ये देखें इस तरह से, और बिल्कुल किनारे पे आके तो शेप बनाएंगे जो कि हमने यहाँ पे बनाई हुई थी। पक्का करके इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो इसको यहाँ पे निकाल के धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कर देंगे कटिंग इस तरह से और फिर इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया है, मतलब कपड़े की दूसरी साइड कर ली है और इसको प्रेस किया है तो ये बिल्कुल नीट इस तरह से तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे ये साइड पे कपड़ा है हाफ इंच, ये पूरा हाफ इंच मैंने रखा है, जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कट करके अलग कर दिया है। तो ये रेडी हो चुका है लगाने के लिए, आप देख सकते हैं इस तरह से ये है। और ये जो एक्स्ट्रा पीस हमने रखा था ये ऊपर आके हुक वाली जो जगह बनेगी वहाँ पे आके ये बंद होगा। तो इसके बाद लगाएंगे ज़िप। ज़िप लगाने के लिए यहाँ पे कपड़े को फोल्ड किया है अंदर की तरफ, एक दफ़ा फोल्ड करके तो सिलाई लगा ली है। ये एक्चुअली मैं सिलाई नहीं कर रही, कोई और कर रहा है, तो मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर रही थी कि आपसे भी शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे जो ज़िप लगेगी वो इस तरह से साथ रखेंगे। कपड़े को पहले ही फोल्ड करके सिलाई लगा ली थी तो ज़िप को रख के तो लगाना बहुत ही इजी हो गया है। यहाँ पे इतनी अंदर इन्होंने रखी है और यहाँ इसके ऊपर अब सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो ये ज़िप अटैच होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अटैच होने के बाद किस तरह से लग रही है। ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने YouTube पे वीडियो सर्च की थी कि मुझे कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें ज़िप लगाना, बेल्ट लगाना और हुक बटन किस तरह से अटैच करते हैं ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिल जाएं, लेकिन मुझे इस तरह की कोई भी वीडियो नहीं मिली। अगर मिली भी तो ज़्यादा इंडियंस की वीडियोस थी और वो उनका बेल्ट लगाने का तरीका और तरह का था और वो उनका साड़ी का भी तरीका और तरह का था। ये जिस तरह से हम बेल्ट लगा रहे हैं इस वीडियो में, इस तरह से हम साड़ी पे भी लगाते हैं और लहंगे पे भी लगाते हैं। तो पाकिस्तान में तो इसी तरह से लगता है और यही बेल्ट है जो हम आंखें बंद करके बहुत सारे पैसे दे के तो बेल्ट लगवाते हैं और ये बहुत ही सिंपल है लगाना। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये मैं खुद नहीं लगा रही, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो जिनसे मैं लगवा रही हूँ तो साथ साथ मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से इन्होंने ज़िप को अटैच किया है और ज़िप जब बंद की थी तो ज़िप निकल गई थी बाहर, तो फिर इसको दोबारा से अंदर किया गया। तो अब यहाँ पे ज़िप लग चुकी है, बेल्ट जो है उसको इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमने एक्स्ट्रा पीस बेल्ट में रखा है वो पीछे से आगे की तरफ आके बंद हो तो उसको उस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे एक साइड से शुरू करेंगे, ये वो गलत साइड थी तो अब ये ठीक साइड है, यहाँ से शुरू करेंगे, पक्का करके शुरू करेंगे और इस तरह से बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ये बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह से हम कफ को अटैच करते हैं, पहले अंदर की तरफ सिलाई लगा के इसको ऊपर करेंगे, ये जो रफ़ कपड़ा है ये अंदर चला जाएगा और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई लग चुकी है, ये देखें इस तरह से,
तो इसको जब सीधा करेंगे तो ये जो कपड़ा है ये अंदर चला जाएगा और इसके ऊपर सिलाई लग जाएगी, तो ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जब सिलाई लगेगी तो ये इसकी अंदर वाली साइड होगी और ये बाहर वाली साइड होगी। तो ज़िप जहाँ पे ख़त्म हो रही है ये भी आप देख रहे हैं किस तरह से ज़िप एंड होगा। तो ये जो बेल्ट की सिलाई हम लगा रहे थे इसका जब एंड होगा, मतलब ये सिलाई जब एंड करेंगे तो दूसरी तरफ जहाँ पे ज़िप है वहाँ पे सिलाई पक्की करके तो धागा काट देंगे यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे सिलाई यहाँ पे ख़त्म की है। अब ये जो आगे वाला कपड़ा बाहर रह गया है ये जब एंड वाली सिलाई लगेगी, मतलब ये जो कपड़ा अंदर करके तो बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये वाला कपड़ा तब अंदर जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर सिलाई लगानी शुरू करेंगे तो ये देखें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको अंदर किया, अब इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। आई होप कि आपको समझ लग जाए कि किस तरह से बेल्ट बनाते हैं, किस तरह से लगाते हैं। मैंने तो पूरी कोशिश की कि आपको बता दूं जिस तरह से मैंने देखा लगाते हुए, मैंने आपको भी दिखा दिया। तो यहाँ पे हुक बनाने के लिए हुक वाला कपड़ा जहाँ पे उसके स्टेप बनेंगे वो वाला कपड़ा तैयार किस तरह से करेंगे, तो इन्होंने एक पीस लिया जिसको इन्होंने डबल किया। मैं ये आपको खोल के भी दिखा दूँगी। तो एक तरफ इन्होंने बंद वाली साइड पर सिलाई लगाई, फिर ये आगे की तरफ बंद करके सिलाई लगाई और फिर नीचे कपड़े को अंदर की तरफ, ये जो कपड़ा है ये डबल है और इसको इन्होंने फिर फोल्ड करके तो इसके ऊपर सिलाई लगा रही हैं। तो इसकी बैक साइड ये देखें ये इस तरह से है, ये यहाँ से डबल है, यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड किया और इस साइड से भी अंदर की तरफ फोल्ड किया और इसके दोनों तरफ जो है वो सिलाई लग गई है। और इसकी लंबाई कितनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें ये मैंने इसको ओपन किया और ये हाथ से 8 इंच और फिर 7 है, 8 पूरा नहीं हो रहा, इतना ये कपड़ा था। और यहाँ पे ये देखें ज़िप जो लग गई है ये हमने साइड पे भी रेडी कर लिया है। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बाद में कपड़ा अंदर करेंगे बाद में, तो जब सिलाई लगी थी इन्होंने कपड़ा अंदर कर दिया यहाँ पे। अब ये जो स्टेप बनते हैं हुक के लिए ये पहले इन्होंने सुई धागे की मदद से सारे बनाए इस तरीके से, मतलब इसको कच्चा कर लिया सारे को और फिर इसको बेल्ट के ऊपर रख के लगाया। अगर डायरेक्ट ही हम बेल्ट के ऊपर लगाएंगे तो कोई बड़ा हो जाएगा कोई छोटा हो जाएगा, तो बिल्कुल एक जैसे नहीं बनेंगे। तो आई थिंक ये वाला आइडिया बहुत अच्छा है। तो ये आप जो स्टेप बने हैं ये गिन भी सकते हैं कितने हैं। तो इसको जो लगाने का तरीका है वो ये है कि ये जो पट्टी हमने बनाई है इस तरह से इसको यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे मैं इनसे पूछ रही थी कि ये थोड़ा आगे की तरफ नहीं लगेगा या बिल्कुल जहाँ से बेल्ट शुरू होता है वहीं पे लगेगा, तो इन्होंने बताया कि जहाँ से बेल्ट शुरू होता है बिल्कुल यहाँ से इसको स्टाइल यहाँ पर रखेंगे और स्टाइल भी लगानी यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। पहले इन्होंने बिल्कुल किनारे पर स्टाइल लगाई, यहाँ पे पहले बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगेगी जो ऊपर कपड़ा रखा है उसके, इसको सीधा करेंगे सेट करेंगे और बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई और जब एंड होगा तो यहाँ पे अब ख़त्म नहीं करना, जो नीचे स्टेप था ये देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला कपड़ा है उस पर सिलाई लगेगी, ऊपर जो स्टेप है वहाँ पे सिलाई नहीं लगानी। तो ये आगे आता है तो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी स्टेप बना हुआ है, यहाँ पे नीचे वाले कपड़े पे सिलाई लगी है। तो यहाँ पे भी इन्होंने साइड पे सिलाई लगा के तो यहाँ पे एक और सिलाई लगेगी इस तरह से। तो इसकी मैं बैक साइड आपको दिखाती हूँ कि आपको समझ आ जाए।
तो ये पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे, ये देखें इतने फासले पे, मतलब सिंगल फुट के फासले पे एक और सिलाई लगेगी और दूसरी साइड पे भी यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। और ये जो ऊपर कपड़ा लगाया है ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये बिल्कुल भी इसमें उधड़ेगा नहीं, ये कहना चाह रही हूँ मैं। तो इसके बाद यहाँ पे काज करेंगे, यहाँ पे बटन लगेगा और हुक भी यहाँ पे लगेगी, तो वो भी मैं आपको बना के तो दिखाती हूँ। सिलाई एक दफ़ा फिर से देख लें, ये देखें इसकी बैक साइड इस तरह से है और फ्रंट साइड इस तरह से। जिप भी लग गई, हुक के लिए जगह भी बन गई। अब मैंने यहाँ पे काज भी कर लिया। काज अगर आपको नहीं करना आता तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, यहाँ आई बटन पे भी उसका लिंक दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये मैंने हाथ से काज बनाया है। ये बटन होल के बाद बटन कहाँ पे लगेगा, उसके लिए आपको लहंगे को पहनना है, पहन के टाइट करके जहाँ पे बंद होगा वहाँ पे निशान लगाएंगे, निशान लगा के तो फिर उस जगह पे बटन लगेगा और फिर ये चीज़ जो है वो रेडी होगी। और हुक जो है वो जिप जहाँ पे है वहाँ पे लगेगी। और ये यहाँ पे मैंने जो भी आपको बड़ा बटन मिलता है ना वो वाला लें और लगा लें। यहाँ पर हुक लगती है और हुक भी बंद होती है और फिर बटन भी। अगर आप बटन लगा लें तो वो जो सेफ्टी पिन बड़े वाला लगाते हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर के सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।